हेलो दोस्तों, टोटल एंड अगेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है यहाँ पे, जिसका मॉडल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 2163 है। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट सिम लिखा आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एयरटेल का सिम लगाया है। चलिए इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं। और सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसका ट्रैक देखना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये ट्रैक से ही होती है। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पहले यहाँ पे इसका ट्रैक देखते हैं, कौन सा ट्रैक सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये ग्राउंड है, प्लस यहाँ पे प्लस वाले को आपको ग्राउंड पे रखना है, और यहाँ से आपको बारी बारी से चेक करना है। देखिए ये पहला जो है ये ग्राउंड होता है, ये देखिए ग्राउंड बीप कर रहा है। और ये जो होती है ये नॉर्मल होती है, तो इसका दोस्तों आप बीप नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट बता रहा है, और ये देखिए इसका भी पॉइंट बता रहा है। ये दोस्तों देखिए इसका पॉइंट नहीं बता रहा है, और यहाँ पर ये देखिए इसका पॉइंट बता रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे इसका जो पॉइंट है ये नहीं बता रहा है इसका पॉइंट। और सिम टू में हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसका ये सही है, बीप कर रहा है, ये नहीं बताएगा, नॉर्मल है। बाकी यहाँ 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहिए सिम में, अगर सिम सपोर्ट कराना है तो। ये देखिए ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है दोस्तों, ये देखिए ये भी बता रहा है, और ये देखिए इसमें ये नहीं बता रहा है। मतलब सिम टू में ये नहीं बता रहा है और सिम वन में ये नहीं बता रहा है। तो चलिए इसको कहाँ से इसका ट्रैक ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी का ट्रैक होता है। यहाँ पे देखिए इसका जो ट्रैक है यहीं पे है, ये देखिए बीप कर रही है। और यहाँ पे इसका जो सेकेंड ट्रैक है यहाँ है, और यहाँ पे इसका है, और ये इसका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका ट्रैक तो यहाँ पर ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अगर हम इसे ग्राउंड पे रख के और यहाँ पे इसका ट्रैक देखते हैं, तो देखिए बीप नहीं कर रही है। मतलब कि इसका पॉइंट कहीं पे कटा हुआ है ये सिम टू का। तो ये ट्रैक तो यहाँ तक सही है, लेकिन इसका पॉइंट कटा हुआ है। तो इसका ट्रैक दोस्तों और कहाँ आता है, तो इसका ट्रैक दोस्तों यहाँ पे देखिए आता है, मैं बता देता हूँ। ये दो हॉल दिख रही है आपको, इसी के दम बगल में ये देखिए, ये इस पर आती है। ये देखिए सिम टू का ट्रैक आपको यहाँ बीप कर रही है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे जो बीप कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों हम ग्राउंड को मतलब यहाँ पे अटैच करते हैं, तो इसमें देखिए कोई भी पॉइंट नहीं बता रही है। मतलब कि इसका ट्रैक बिल्कुल सही यहाँ तक आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसका सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसका जो सप्लाई है दोस्तों, ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो सप्लाई है इसका, ये दोस्तों यहाँ से होते हुए जाती है डायरेक्ट पावर आईसी में, ये आपको पावर आईसी में चली गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका यह ट्रैक नहीं बता रहा है और ट्रैक आपको यहाँ तक बीप कर रही है यहाँ तक, तो आपको इसका लाइन को पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रैच किया है एक लाइन को, तो यहाँ से भी मैंने इसको यहाँ बीप कराया तो बीप कर रही है, मतलब कि यहाँ तक आपका सही है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है, यहाँ पर सभी का ट्रैक बिल्कुल सही हो रही है, तो लास्ट ऑप्शन आपको ये पावर आईसी को हिट करना होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका जब ट्रैक आपको पावर आईसी के लाइन तक आ रही है, यहाँ से आपको ट्रैक का लाइन यहाँ तक आ रही है, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि ये डायरेक्ट आपको पावर आईसी में लाइन जा रही है। तो दोस्तों इसका आपको हीट करने से ही, मतलब इसी में कोई बॉल मिस हो गया है, आपको इसको हीट करना है, और हीट इतना करना है जितना मतलब मोबाइल डेड ना हो, आपको अंदाज से अपने अनुसार करना है। तो मैं चलिए अभी इसको हीट करके देखता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं कि इसका पॉइंट आ रही है कि नहीं। और इसका जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी यहीं से होती है, लेकिन इसका भी ट्रैक आपको जाकर यहीं पावर आईसी में मिलती है। तो
तो इसका भी ट्रैक कटा हुआ तो पावर ऐसी से ही है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इसका जो एक पॉइंट आता है इसका जो यहाँ पे, तो डिस्प्ले के इस पर आती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डिस्प्ले के जो ये वाला है यहाँ तक आती है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपके यहाँ तक ट्रैक आ रही है कि नहीं। यहाँ अगर आ रही होगी तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पावर आईसी से ही है। तो चलिए हम अभी हिट करते हैं और देखते हैं कि सिम वन का ये जो सेकंड वाला ट्रैक है मिस, ये आ रही है कि नहीं, क्योंकि इसका लास्ट ऑप्शन हिट ही होगा, क्योंकि इसके अलावा ये पावर आईसी में डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, तो आप कहीं से भी इसका ट्रैक निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए हम इसको हिट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी हिट किया बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने हिसाब से हिट करना है कि फ़ोन डेड ना हो। तो चलिए अब हम मीटर से पहले अब हम चेक करते हैं कि इसका ग्राउंड यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये आया कि नहीं। तो आपको हमें मीटर को प्लस वाले ग्राउंड पे रखना है एंड दोस्तों ग्राउंड को यहाँ पे इसे प्रेस करके देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आ चुका है पॉइंट। तो यहाँ पर सिम टू का भी हम चेक करते हैं इसका पॉइंट आया कि नहीं। तो दोस्तों इसका भी यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों इसका भी पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे आईसी से होती है। तो इसका ट्रैक यहाँ तक जब अच्छा से आपको बता रहा है तो ये प्रॉब्लम आईसी से ही होती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हिट करना है, आपको बस अच्छे से हिट करना है, समझ के हिट करना है कि फ़ोन डेड ना हो। तो यहाँ पर चलिए अब हम सिम को लगा कर चेक करते हैं यहाँ पर कि इसका यहाँ पर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम सोल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मेरे पास सिम है नहीं, तो यहाँ पर नया सिम मैं निकाला हूँ और इसे मैं लगा कर देखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेटवर्क से यहाँ पे नहीं चेक करना है, मुझे इंसर्ट सिम चेक करना है। तो चलिए अभी हम इसे यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे इस नया सिम को यहाँ पे इसमें लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास सिम है नहीं, कस्टमर सिम को ले गया। तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट सिम सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पे मैं सिम को लगा लेता हूँ और यहाँ पे लगा कर मैं चेक करूँगा अभी कि यहाँ पे इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अब फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ रही थी और यहाँ पे अब देख लेते हैं कि इसका नेटवर्क यहाँ पे आ रही है कि नहीं, मतलब सिम सपोर्ट कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिम सपोर्ट कर गई और यहाँ पे सर्चिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो दोस्तों ये नया सिम है तो इसमें नेटवर्क नहीं आ सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी आईटेल फ़ोन में, बस आपको अच्छे से दिमाग लगाना। बाकी दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों ऐसे से अपडेट एंड रिपेयरिंग सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनिक और अच्छे अच्छे कंटेंट देता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Okay, boss.